आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा नगर निगम क्षेत्र में चौतरफा चल रहे विकास के दावों की बारिश की एक बौछार ने पोल खोल कर रख दी है। रीवा नगर निगम के चिन्हित स्थानों के विकास को देखकर महानगर का सपना देखने वाली जनता अब हकीकत को सामने देखकर परेशान है। रीवा में दो दिन की बरसात में ही नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डो के हाल बेहाल हो गए। जलभराव की स्थिति यह है कि पानी रुकने के बाद भी लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसा ही एक नजारा रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 में देखने को मिला, जहां बारिश बंद हो जाने के बाद भी लोग अपने घर से निकलने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताते हुए कहा है कि अपनी समस्याओं को लेकर कई बार वह नगर निगम सहित स्थानीय विधायक महापौर से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हुआ। बारिश आते ही चारों ओर जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि रोड नहीं तो इस बार वोट नहीं। उन्होंने कहा कि यदि हम विकास की बात करें तो नगर निगम प्रशासन 150 करोड़ के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करने के बात कर रहा है, लेकिन रीवा नगर निगम में आपसी खींचतान के चलते कार्यों की शुरुआत नहीं हो पा रही है। निर्माण कार्य उसी जगह हो रहे हैं जहां दोनों ही प्रमुख दल सहमत हैं। चर्चा यह भी है कि भूमि पूजन करने के बाद भी शासन के द्वारा राशि नहीं दी गई, जिसके कारण कई कार्य भी रुके हुए हैं। अभी बता दें कि दो दिन पहले ही निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह ने वार्ड में जलभराव होने पर पानी के बीचों बीच बैठकर धरना दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि जब वार्ड पार्षद ही नगर निगम में चल रही खींचतान के बीच अपना कार्य नहीं करा पा रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा। पुष्पा पांडे, कौन से क्षेत्रों क्या समस्या? वार्ड क्रमांक 9 पड़ता है। हमारे यहाँ रोड की समस्या बहुत ज्यादा है और लाइट के खंभे नहीं है, जहाँ से सभी को टीसी कनेक्शन लेके काम चलाना पड़ रहा है। और बच्चों को लेने हम लोग को जब आते हैं तो कम से कम आधा किलोमीटर दूर जाके वहाँ हमारा ऑटो आता है। हम लोग को कोई भी समस्या हो, हम घर छोड़ के, छोटे बच्चों को छोड़ के वहाँ पे लेने जाते हैं। अब यहाँ पीछे आप देख ही रहे होंगे, इतना पानी भरा है, यहाँ से कैसे बच्चे निकलेंगे? और ना तो कचरा की गाड़ी आती है, जब हम लोग टैक्स जमा करने जाते हैं तो पूरे उसका भी पहले कहेंगे कि आप कचरे का पेमेंट करिए और उसके बाद आप टैक्स जमा करिए। कभी भी कचरे की गाड़ी यहाँ पे नहीं आती है। और रोड है तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह है, खंभे नहीं है। लो वोल्टेज के लिए हम लोगों ने इतनी बार शिकायत की, 181 में भी शिकायत की, जो यहाँ का 19-20 जो होती शिकायत नंबर उसमें भी हम लोगों ने शिकायत किया, पर कोई भी निराकरण नहीं हुआ। उनसे बार बार फोन में यही कहा जाता है, एक महीने से आपका निराकरण हो गया है, पर यहाँ कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी एक बार देखने नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ पे लो वोल्टेज कहाँ पे है, किसने कंप्लेन की, बस वहाँ से फोन में निराकरण हो जाता है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पांडे। कौन सा क्षेत्र है और क्या समस्या आ रही है? ये अनंतपुर है, वार्ड नंबर 9 आता है और ये लगभग 10 साल से पुरानी कॉलोनी हो चुकी है। और यहाँ पर अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि पानी के लिए भी कुछ रास्तों में पानी नहीं है और लाइट के लिए खंभे नहीं हैं। साथ साथ जो आज इस बरसात में आवश्यकता है रोड के लिए, जिसके कारण आज जो भी समस्याएँ यदि किसी के घर में आ जाती हैं तो वो कहीं भी निकल नहीं सकता है। तो वो परिस्थिति को देखते हुए कम से कम प्रशासन को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और इसको हमारे लोगों की जो समस्याएँ हैं उस पर कुछ ना कुछ ध्यान दें। कितने लोग का परिवार है यहाँ पे? परिवार लगभग 150-200 लोगों का यहाँ पे कम से कम पब्लिक है। लगभग घर होंगे 50-60 घर बन चुके हैं और सभी की ये समस्याएं हैं। कहीं भी अभी रोड नहीं बनी है और पार्षद के पास भी हम कई बार जा चुके हैं, आवेदन हम लोगों ने आयुक्त को भी दिया है, विधायक महोदय को भी दे के आए हैं, लेकिन आज तक अभी कोई भी इसका निदान नहीं मिला है। पार्षद हैं सतीश सिंह पार्षद हैं। हाँ, उनकी माता जी हैं, उनकी माता जी पार्षद हैं। उनके पास भी हम 2-3 बार जा चुके हैं और उनको बैठक में भी हम यहाँ पर बुलवाए थे। जो हमारे जो भूस्वामी थे पहले, जिन्हों लोगों ने इस कॉलोनी को काटा था और ये झूठ बोलकर ये रास्ते को दिया है और ये जो रास्ता है वो दूसरे की रास्ता है, उस पर अब वो भी अपना कब्जा कर रहे हैं, जिस कारण से हम लोगों का रास्ता भी निकलने का बंद हो रहा है। और ये जो भू देने वाले हैं ये दादू भैया नीलेश मिश्रा और अजीत 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 जी हैं, सोहगौरा जी हैं,
ये सभी, हाँ 5-6 लोगों ने बांटा है, अलग अलग कॉलोनी का अलग अलग भूस्वामी है, इन सभी लोगों ने इस तरह से कारनामा किया। हाँ हाँ, सभी लोगों ने पूरा टैक्स जमा किया है, मंजूरी लेने के बाद सभी लोगों ने घर बनाया है और जमीन खरीदी, कॉलोनी बसाई, कॉलोनी बसाई गई है। महापौर साहब लोगों ने मिला इस समस्या को लेकर? महापौर जी को सारे आवेदन हमने दिए हैं, एक बार मैं इंटरेक्ट भी हुआ, फोन भी करके बात किए हैं, और कैंप भी जो अभी नगर निगम का लगाया गया था मुख्यमंत्री के, जो एक दिवसीय जो भी समस्या सुनने का वो था, उसमें हम लोगों ने सभी आवेदन दिया है, हर एक लाइन से एक एक आवेदन पड़े हुए हैं वहाँ पर भी।